फ्रेंड्स, अगर ऐसे चिप्स बनाने हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे आप आसानी से चिप्स बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो आलू। आलू एकदम कड़क होने चाहिए, बिल्कुल भी नरम नहीं होने चाहिए और मोटे छिलके के होने चाहिए। फ्रेंड्स, चिप्स बनाने का सही समय अभी मार्च का महीना है। अभी जो आलू आ रहे हैं उनसे हम चिप्स बनाएंगे तो हमारे चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले आलूओं को धोकर उसे छील लें, अच्छे से सभी आलूओं को छील लें। छीलने के बाद आलूओं को हम बर्फ़ वाले पानी में डुबा कर रखेंगे, क्योंकि आलू अंदर से बहुत गर्म होते हैं, इसलिए इन्हें बर्फ़ वाले पानी में हम डुबा कर रखेंगे। और ये मैंने 10 ग्राम फिटकरी लिया है, जिसको आधे कप गर्म पानी में डालकर ये उबाल ली हूँ और उबाल कर ठंडा कर कर रखी हूँ। ये बाउल में जो पानी रखी हूँ, जिसमें हम पटेटो की स्लाइसेस करेंगे, उसमें डाल दी। अब हम पटेटो की स्लाइसेस करेंगे। ऐसे स्लाइसर ले लें, स्लाइसर में ये पैटर्न वाले डिज़ाइन वाले मैं आलू चिप्स बना रही हूँ। इसमें एक बार हम लंबा कसेंगे, फिर एक बार आड़ा कसेंगे। इस तरीके से हम डिज़ाइन वाले चिप्स बनाएंगे। अब ये प्लेन वाले चिप्स बना रही हूँ, ये पतले पतले स्लाइसेस उसमें निकलेंगे। ये डिज़ाइन वाले चिप्स ऐसे बनेंगे। अगर एकदम लंबे चिप्स बनाने हैं तो ऐसे आलूओं को लंबा कसें। ये देखिए, पतले पतले लंबे चिप्स बनाए हैं मैंने। अब देखिए, इस तरीके से कस लें इसे। अब इसमें भी ये डिज़ाइन बनेंगे। थोड़े मोटे चिप्स बना रही हूँ यहाँ पर। स्लाइस करने के बाद आलूओं को 3 से 4 बार पानी बदल बदल कर ज़रूर धो लें। प्रोसेसर में चिप्स कैसे काटेंगे? पहले 1 ग्लास पानी उसमें डालकर रखेंगे पॉट में, फिर अटैचमेंट को फिट कर लेंगे, फिर छिले हुए आलूओं को डालकर हल्के से प्रेस करेंगे तो पतले चिप्स कटेंगे, और ज़ोर से दबाकर प्रेस करेंगे तो मोटे चिप्स कटेंगे। इस बात का ध्यान रखें, आपको जैसे चिप्स चाहिए उस तरह से प्रेस करना चाहिए हमें। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने फूड प्रोसेसर से चिप्स निकाले हैं। अब एक बड़े बर्तन में हम खूब सारा पानी भरकर उसे गैस पर उबलने के लिए चढ़ा देंगे। ये देखिए, पानी उबलने लगा, और उसमें मैं 1 बड़े चम्मच सेंधा नमक डाली हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। और उसमें 1/2 किलो आलू के स्लाइसेस मैं एक बार में डाल रही हूँ। अब जैसे ही एक बॉईल आना शुरू हुआ, हम इसे निकाल लेंगे। चाहे तो हम हाथों से चेक भी कर सकते हैं। इसे पूरा नहीं पकाना है, हाफ बॉईल करना है। पूरा पकाएंगे तो आलू चिप्स पूरे घुल जाएंगे और सुखाते समय पूरे टूटने लगेंगे, इसलिए इसे आधा ही पकाया जाता है। ऐसे हम आधा पका के जैसे ही निकाल लेंगे। ये डाल दिया हमने चिप्स को। पानी को हम 3 से 4 बार इसमें चिप्स उबाल सकते हैं। उबालने के बाद हम पानी फेंक कर दूसरा पानी चढ़ा सकते हैं गंजी में। ये देखिए, 1 उबाल आ गया। अब ये निकाल लेंगे। 3 से 4 बार चिप्स बनाने के बाद जो पानी है वो गाढ़ा होने लगता है, तो गाढ़ा पानी फेंक दें। और जब ठंडे हो जाए तो घर के अंदर किसी टेबल में या बड़े डाइनिंग टेबल में कॉटन का चादर बिछाकर हम चिप्स को एक एक करके फैलाकर पंखे की हवा या कूलर की हवा में सुखा लेंगे। अगर हमने रात को 8 बजे चिप्स सुखाया है तो सुबह 8 बजे तक हमारे चिप्स पूरे सूख जाएंगे। सारे चिप्स को हम एक एक करके सुखा लेंगे। ये देखिए, मैंने रात को जो चिप्स सुखाए थे वो सुबह पूरी तरह से सूख गए हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं क्योंकि मैंने मोटा चादर बिछाया था। और अब मैं चिप्स को ऐसे ही हाथ से ऐसे समेट ले रही हूँ, और समेट कर इसे मैं एक थाली में डाल दूँगी। 2 घंटे के लिए हम इसे धूप दिखा देंगे। जो जितना भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो धूप दिखाने से उड़ जाएगा, और साल भर के लिए हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। देखिए कितना वाइट बना है चिप्स। अब मैं आपको ये तल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, तेल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया और डालकर
मीडियम गर्म आँच में ही हम इसको तल लेंगे चिप्स को। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, एकदम वाइट, धूप में जैसे बनाते हैं वैसे ही सेम चिप्स बनते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं, धूप वाले चिप्स से भी अच्छे बनते हैं ये चिप्स। मैं हमेशा ऐसे ही चिप्स बनाती आ रही हूँ। ये देखिए मैं आपको और तल के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो हमने डिज़ाइन में जो बनाया था चिप्स, ये वो है, वो भी कितने अच्छे से देखिए वाइट बने हुए हैं। और जैसे धूप में हल्के बनते हैं वैसे ही सेम हल्के ये से सुखाने से भी बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।